तुम टेंशन मत लो, हम अगर कुछ भी करेगा तो तुमको हेल्प करने के लिए करेगा। हम सात लोग फ्रेंड गए थे नहाने के लिए, एक फ्रेंड डूब गया, एक फ्रेंड नहीं, हम तीन, मैं भी था उसमें, दो लोग जम करके हमको बचाने आए, तो दो लोग ने हम दो लोग को पकड़ लिया और एक फ्रेंड अंदर रह गया। अंदर ले गया तो उस हिसाब से मर गया वो, ना वो मर गया, हमने सोचा मर गया तो उसके आगे क्या करना है, उसके घर वालों को बोलना है, हमने नहीं बोला, वैसे नहीं बोला। तुम तो बच्चे हो, तुमको क्या पता होगा, डर लग जाता, बहुत डर लग जाता। उसका जो बाप है ना, वो हमारे दोस्त को बांध के डायरेक्ट हथियार में फिनिश करना चाहता था। अरे बाप रे, एक थप्पड़ मार लिया था उसके छोटे बेटे को, थप्पड़ मार लिया था हमारे दोस्त ने, इसलिए उसका बाप उसको बांध के रख लिया और यहाँ पे वो मर ही गया बेटा। तो तुम लोग डर गया तो भाग गया। फिर उसके काका ने बोला, घर घर के जाके पूछा, तो हम लोग हाँ बोल दिया, सच बोल दिया। उसके बाद उसके काका ने खेल किया, उसको उसका डेड बॉडी चार दिन के बाद मिला। तो फिर उसके चार दिन के बाद उसका काका ने 5,000 रुपया दे के यहाँ पे 10 सेमी का इधर काट लिया। उसके सबसे मर्डर के सामने अरे बाप रे। और उसके बाद अगर तुम एविडेंस तुम लोग के अगेंस्ट में, एडमिट में वहाँ पे कोई नहीं था, मौजूद एक आदमी नहीं था हमारे छह के अलावा, हमारे साथ के जो नहा रहे थे हमारे साथ के अलावा एक लोग था, वो लकड़ी काट रहा था, लेकिन वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है और आप लोग जानते भी नहीं हो वो कौन है, उसको ढूंढ भी नहीं पाए। चलो ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, वो भी मिल जाएगा। और बाकी छह लोग भी अंदर है क्या, मतलब सबके ऊपर केस है क्या, सबके? और सब बच्चा था, सब बच्चे थे, 16 इयर्स, 10th बोर्ड। अरे बोलो, मैं क्या बोलूंगा, आप बोलो, खुद बोल दो। बेकार सिस्टम है, चूतिया सिस्टम है, सिस्टम को गांड मारो। छोटा बच्चा का जिंदगी अबे क्यों बर्बाद करेगा, 3 साल के बाद डायरेक्ट प्रूव हो गया केस। क्या प्रूव? सजा हो गया, हमने उसको मार दिया है। वो सजा भी हो गया तुम? और क्या, 2 साल का सजा है हमको। अभी मैं एक महीना हुआ बाहर निकल, भाई सच्ची बोल रहा हूँ, 26 तारीख को निकला अगला। यदि भाई अगर ये मर्डर करता तो आज इसको इतना स्कोप है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता मर्डर कर करके, मगर नहीं किया, पढ़ाई करता है बच्चा, मगर लोग नहीं समझ रहे हैं, वकील नहीं समझ रहा है, कोर्ट नहीं समझ रहा है, पढ़ाई कर रहा है वो। उनको तो समझना ही नहीं है, उनको तो पैसा कमाना है, बस और क्या। तो जल जाए आपको, आपके लिए एक सवाल है, सुनो, आप अगर अपने जो देशवासी है इनको अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे, सबको, भाई बंधु कोई भी हो, क्या बोलना चाहेंगे? इनका नाम बता सकते हैं आप? बताना ना था जरूर। बलराम साहू, हरिहर साहू, मनु साहू, मोहना डिस्ट्रिक्ट के, सब गजपति डिस्ट्रिक्ट के मोहना। बहुत ही गलत बात है, देखो आप नाम लोगे तो आप बिना डर के जो नाम लिया ये बहुत ही बड़ा बात है,
एग्जैक्टली मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे सजा हो गया है। मैं अभी चाहूंगा तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे कुछ नहीं सोचता। मेरे दिमाग में जो अभी मैं एक हफ्ते एक महीना का मेरे दिमाग में बहुत बहुत सारा खेला है। मैं वैसे चाहते तो गैंगस्टर बन जाते, वैसे टाइप का लड़का भी हमको मिला है। हाँ तो जेल में रहेगा तो यही तो होगा, एक छोटा बच्चा को जेल में डालेगा तो वो तो गैंगस्टर ही बनेगा बाद में। रहते हैं एरिया को लेकर ही चल रही है, अभी जेल में रुके हैं। तो बात अगर किसकी ऐड होती है तो बताना पड़ता है ना उसको, क्या करेगा। चलो ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कैसे भी हो, अगर इस केस में हम लोग कुछ मदद कर पाए तो हम लोग आगे करेंगे। अरे सब होगा, देश पलट रहा है, दुनिया पलट रहा है, मल्टीमीडिया। मजाक मजाक में हम लोग तो यहाँ पहुँचे नहीं है, मजाक मजाक में आपसे मिले भी नहीं। उसके माँ अभी तक नहीं बदली, और क्या। अरे उसका बच्चा क्या ऐसे ही मरा है।